फेवरेट भजन गेट दिखा दे गाइज वेलकम टू माई चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका इस नई वीडियो में। और आज है मस्त मौसम, हमेशा की तरह धूप सेक रहे हम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम जाएंगे गुरुद्वार का सबसे बड़ा फेस्टिवल सिद्धबली मेला। आज उसकी झांकी आएगी, झांकी निकलेगी, हम झांकी देखेंगे, देखेंगे सिद्धबली मंदिर कैसा सजा है। बहुत ही मन शांत आज हमारा होने वाला है शाम को। तो इस ब्लॉग में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको बिल्कुल भी आपको इतना मज़ा आएगा ना इसको देख के। चलो अभी तो वैसे 1 बज रहा है, तो अभी हम पहले खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आराम आराम करेंगे। 3-4 दिन से मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज मैं सुबह जिम भी नहीं गई क्योंकि नींद नहीं खुली वैसे तो फिलहाल मेरी। तो देखते हैं, अब 4-5 बजे करीब हम निकलेंगे, मैं और मम्मी जाएंगे, इंजॉय करेंगे, झांकी देखेंगे, डांस देखेंगे। इतने सुंदर सुंदर लोग वहाँ तैयार होके आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स में कैरेक्टर प्ले करते हैं, डांस करते हैं। बहुत भीड़ होगी और हमें बहुत भीड़ होगी, माना कि बहुत ही जाम ट्रैफिक वगैरह रहेगा, बट इन सबको साइड करके जो इंजॉयमेंट होगा वो दुगना होगा उससे, क्योंकि जितने लोग उतना ज़्यादा इंजॉयमेंट। बाकी ढोल नगाड़े ताशे वाशे पूरा एकदम महाराष्ट्र वाला सब रहता है वहाँ पे, सब कुछ एक जैसा, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो हम दिखाएंगे। ये मेरी मम्मी ईटिंग अरसा, या अरसा ईटिंग। ये देखें पत्ते, पत्ते नहीं हो तो पालक के तो पत्ते हैं। अच्छा दबड़ी ये है और ये, अच्छा ये साग अलग बना लो, साग बना के हाँ छुट्टी है ना बना के रख देती हूँ। आप इतनी कुकिंग कॉन्शियस कब से हो गई मम्मी? मूडी है मम्मी, जब मन करता तब बना देती है। आज छुट्टी थी मूडी उसको। अरे ये क्यों रखा हुआ? अरे लाइट नहीं है। हे गाइस, अब बज गए हैं शाम के 5:30 और अब हम मैं और मम्मी जा रहे हैं झांकी के पास, क्योंकि झांकी निकल चुकी है, हमने वीडियोस में देख लिया। और ये रही मम्मी ऑल रेड राइडिंग हुड क्यूटी पाई। मम्मी, या आर यू एक्साइटेड? देखते मम्मी जाके में डांस करेंगे, चलो आप और मैं। ठीक है, जो वो स्टेज पे नहीं, जो छोटा गाड़ियों में होता है उसमें चढ़ के डांस करेंगे। ठीक है चलो, निकल चुके हैं गाइस, पीछे देखो सनसेट और अभी आने वाला है बहुत मजे। अरे मम्मी देख, अभी हमें ये नहीं पता वैसे जहाँ की पहुंची कहाँ तक है, निकल तो गई थी, हमें रास्ते में जैसी में लेगी हम वहीं रुक जाएंगे। गाइस देवी मंदिर के स्पॉट में भी लग गया, देवी मंदिर बहुत सुंदर। जो लोग गुरुद्वार में नहीं है, 9, 10, 11 तीन दिन का मेला है, 3 दिन जरूर आए, जरूर आए, बहुत बेहतरीन मेला होता है यहाँ पे। और मुझे वैसे भी मौसी ने ऑर्डर दिया है कि अगर मेले में जाओगे तो वेट के लिए टॉयलेट आना, वो जो आवाज करता है ना उससे डरता है वो। मुझे ही बोल रही थी, मैंने कहा देखूंगी। भाई जरा फेवरेट भजन गेट दिखा दे, गेट राधे 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 राधे, मजा आ रहा है अभी से, मजा आ रहा है। राधे 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 ऑलरेडी सी की ट्रैली की वजह से कितना ट्रैफिक हो रहा है, मतलब बहुत ट्रैफिक है अभी। फ्रेंड्स ये फेस्टिवल इसलिए क्योंकि पूरे साल भर में से ये 3 दिन सिंपली की पूजा होती है, 3 दिन की पूजा, इसमें हवन पाठ वगैरह सब होता है।
अब देखे रैली की आवाज मुझे आ चुकी है, कल भजन संडे होगा, अभी यार गाने ही चल रहा है यहाँ पे। ये मिलता रहेगा तीन दिन तक लगातार। रूट डाइवर्ट हो चुका है, यहाँ से कोई नहीं जा रहा है, वो सब उधर से जा रहे हैं। बाजार सजा है, ये आगे हम झंडा चौक में। जेसीबी गाइस, जेसीबी गाइस, ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई। कुछ हो रहे हैं हमें यहाँ पे, कुछ उधर चल रहा है प्रोग्राम। ये देखो आपको जगह जगह पे लगे, और ये पीछे से हॉर्न बजा के परेशान कर रहे हैं बच्चे आजकल के। देखो फिर बैक टू द टॉपिक गाइस, सुंदर बाजार। ज्यादा से ज्यादा लोग रोड पे पैदल हैं क्योंकि पता है भीड़ बहुत होगी। यहाँ पे अलग प्रोग्राम सिक्योरिटी गाइस, हमने स्कूटी लगा दी यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे हम पैदल। कल गए गाइस हम पैदल पैदल, पीछे देख लो कितनी भीड़ है, और झांके आगे आगे। Thank you.
ज्यादा बची है, अभी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ एक आदमी है, वो देखो वहां पे वो बदल रहे थे जो थक गए। ये जो लड़के हैं जाते जाते भी यहाँ गंदा करके गए हैं ना, जो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। मम्मी
प्रसाद Thank you.
आखिरी झांकी गाइस, आखिरी झांकी है। गाइस झांकी खत्म हो चुकी है, वहाँ से झांकी आएगी ना, मतलब वहाँ ये खत्म नहीं हुआ, शीतली बाबा तो बंद है, वहाँ से झांकी आएगी। हाँ, और हमें मंदिर जाना था बट वो बंद है, वहाँ जा नहीं सकते अभी, मतलब वहाँ रास्ता नहीं दे रखा है जाने के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, ताकि जाम वगैरह ट्रैफिक वगैरह लगे। तो शीतली मंदिर हम जाएंगे कल, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर कैसा है। तो झांकी देख के मैं और मम्मी, शायद हमने ना ये आज से पहले नहीं देखी है झांकी, मतलब ऐसे नहीं देखी थी, देखी ही नहीं थी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई आज, कभी आई नहीं, पहले भी आ सकती थी। हाँ, पर आई नहीं भीड़ की वजह से। हाँ, तो बहुत ही इतना अच्छा लगा था देख के, और वो जो हनुमान जी है ना, एक जो हनुमान जी के किरदार में एक लेडी थी ना, वो बहुत ही अच्छा डांस भी कर रही थी, प्रॉपर एक्सप्रेशन दे रही थी, और पूरा पूरा साथ उन्होंने दिया है वीडियो के लिए, तो मतलब मस्त है। गाइस यहाँ क्या हो रहा है, हैप्पी दिवाली, सुंदर, देखो सुंदर त्योहार ही तो है यार, और क्या है हमारे कोटद्वार की आन बान शान शिव बलि मंदिर। अरे कोटद्वार में आपको डेकोरेशन ऐसी मिलेगी पूछो मत, आप इतना सुंदर आज कोटद्वार ना दिवाली से अच्छा लगता है इस त्यौहार में कोटद्वार, मुझे तो ताकि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे एक यहाँ पे भी आएंगे, देखो झांकी हो रही, परफॉर्मेंस चल रही है, लाइव कॉन्सर्ट है गाइस, लाइव कॉन्सर्ट। यार मैं अपनी मम्मी की ड्राइविंग स्किल से परेशान हूँ। मम्मी आपकी स्कूटी में इंडिकेटर नहीं है क्या, अभी लगती पीछे। तो गाइस ये थी झांकी, कल जाएंगे मंदिर, पीछे मेरी दुकान। तो आई होप कि इस वीडियो से जो लोग झांकी में नहीं जा पाए वो मेरी वीडियो देख लो, पूरा वैसे ही आनंद मिलेगा, मस्त है मस्त। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस मत लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जाके, और वो जो घंटी वाला बटन होता है उसको भी दबा दो, उसको उससे उसको दबाने से ऐसा होगा कि जब मेरी नई वीडियो आएगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑल पे भी क्लिक कर देना पर्सनलाइज्ड।